Hello friends, welcome to my YouTube channel. आज एक नया वीडियो के साथ हम ये जो देख रहे हैं आप ये पीपल ट्री है। आज ये अक्टूबर का महीना एंडिंग होने वाला है और लगभग ये आपका विंटर सीजन आ जाएगा, इसलिए हमको ये जो फाइकस पीपल का ट्री है इसमें थोड़ा सा खाद दे देंगे जो कि उसको अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा और प्लांट हेल्दी रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स आप आज आपके लिए देखिए क्या क्या देने वाले हैं इसमें खाद। ये पहला है कि जो मैनर है काउडंग मैनर, ये बहुत अच्छी तरह से मैंने इसे सुखा दिया था। देखिए आप, ये पहला है काउडंग मैनर। फिर आपके लिए ये है जो कि आपका हॉल मिल, ये इसमें डालेंगे। उसके बाद आपको ये है आपका सरसों का खाद। उसके बाद आपको ये बोन मील है, बोन मील जो कि बहुत अच्छा काम करेगा मेरा ये प्लांट के लिए। उसके बाद मैं प्लांट को नीम खली है ये दूंगा, ये बातों को मिलाकर मैं इस प्लांट में दे दूँगा। ये गर्मी से जाने के पहले बहुत अच्छी तरह से हेल्दी रहेगा। चलो फ्रेंड्स इसे इसमें मिला के सबको मिला देता हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अभी आपको इस प्लांट को जो देखिए ये चारों साइड को इस तरह से थोड़ा सा मिट्टी को हटाना है, इस तरह से लेके आप कर सकते हैं जो कि इसका रूट डैमेज नहीं होगा। फ्रेंड्स इस तरह से चारों साइड से मिट्टी हटाने के बाद आपको ये जो खाद है इसमें दे देना है और खाद देने के बाद पानी ज़रूर देना। देखिए मैं इस तरह से दे रहा हूँ चारों साइड से, अच्छी तरह से खाद दे देना है। यही काम आपको करना पड़ेगा आपको प्लांट हेल्दी रखने के लिए, उसे हेल्दी इसी खाद से आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो भी होगा और हेल्दी भी रहेगा। तो फ्रेंड्स आप मन कर रहे हैं एक बोनसाई बनाने के लिए, तो ये लगभग ये जो प्लांट देख रहे हो पीपल का प्लांट ये हर जगह मिलता है और आप इसे लेकर अच्छी तरह से एक बोनसाई बना सकते हैं।